रसोई आप सबका स्वागत करती है। तो आज की हमारी डिश है वो भी मिडिल ईस्ट की। कौन सी बनाएंगे हम, देखिए ये बनाएंगे हम तुर्की की कैंडीज। तुर्की कैंडीज बनाने के लिए हमें लेना होगा, इसमें सारे हम लेंगे ये किनूज हैं सारे, आजकल मार्केट में बड़े ही आराम से मिल जाते हैं। वैसे तो आप ऑरेंज जूस भी यूज़ कर सकते हैं, मगर हम मार्केट में इतनी सारी क्या ये किनू आए हुए हैं तो क्यों ना सोचा कि किनू की ही डिश बनाई जाए, वो भी तुर्की कैंडीज। बनाने के लिए हम लेंगे ये है हमारी चीनी और ये हमारी पीसी हुई चीनी और ये हमारा जेलेटिन पाउडर। इसकी जगह आप अगर अगर भी ले सकते हैं, और ऑरेंजेस तो आप ले ही रहे हो, किनूज कुछ भी ले लीजिए आप। मैं तो बिल्कुल फ्रेश जूस से बनाऊँगी। और ये लीजिए, आप जूसर यूज़ कीजिए इसके लिए। और हमने इसको लगाया, ये देखिए कितने आराम से हमारा जूस निकल रहा है। फ्रेश जूस की तो बात ही कुछ और है। किनू का सारा जूस निकल चुका है जो हमने कैंडीज बनानी है। हमने गैस ऑन कर लिए और हमने एक पैन ले लिया, इसके अंदर अब हम जूस डालेंगे पूरा फाइबर के साथ बना हुआ है ये। अब इसी के अंदर हम चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से डालिए, मैंने एक छोटी कटोरी चीनी डाली है। थोड़ा खट्टा होगा, इतने मीठे भी नहीं थे किनू, कुछ मीठे थे कुछ खट्टे थे, तो हम इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देंगे और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। जेलेटिन डालेंगे इसके अंदर पूरा एक चम्मच भर के और ये दूसरा एक चम्मच भर के। इसको डालेंगे थोड़ा पानी इसमें और इसको हल्का सा हम घोलेंगे, ठीक है। इसको भी हम इसके साथ ही डाल देंगे। अब इसको हम उबलने के लिए रख देते हैं, साथ साथ हिलाइए और साथ साथ इसको घुमाइए ऐसे। इसमें पूरा ये उबाला आ चुका है, अब हम इसे बिल्कुल गैस को ऑफ कर देंगे। चलिए अब हम इस जूस को थोड़ा ठंडा करेंगे, क्योंकि हमने मोल्ड्स में डालना है तो उसके लिए ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इस तरीके से आप ठंडा कर सकते हैं, नहीं तो कोई खुले बर्तन में भी आप इसे डाल सकते हैं। जूस डालने से पहले थोड़ी सी इसमें ऑयलिंग करेंगे, ठीक है। बस हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, हल्का सा गर्म है, कोई बात नहीं। अब आप कोई भी चॉकलेट्स के जो मोल्ड्स होते हैं उसमें आप इसको डाल के ठंडा करके रख सकते हैं। ये देखिए मैंने इस मोल्ड्स पर डाल रही हूँ, इस तरीके से आप डालेंगे सारा, बहुत खूबसूरत बनेंगे ये और बहुत ही अच्छी कैंडीज बनेंगी ये। कैंडीज हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। मोल्ड में से निकालिए, देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स बने हैं। आप कोई भी फ्रूट लीजिए, कोई भी जूस लीजिए, आप उसको इसी तरीके से बना सकते हैं। इतनी लाजवाब लग रही है हमारी ये, बहुत सुंदर है ना। मैं खुद ही सुंदर कही जा रही हूँ, जब आप कहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए ये हमारी पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी हल्की से ये जो हमने पीसी हुई चीनी थी इसको हमने हल्का सा इसके ऊपर डाल देना है। ये हमारी बनकर रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये जो ये हमारे रोजेस बने हैं कितने ही सुंदर बने हैं। यदि आपका जेलेटिन डालने से यदि आपका लिक्विड पतला हो जाता है और ठीक नहीं बन पाता, इसका मतलब कि आपका जो जेलेटिन डाला हुआ था वो आपका एक्सपायरी डेट होगा। तो आप इसको अगर अगर को भी आप यूज़ करेंगे तो बहुत सुंदर बन जाएंगी, ठीक है। तो घबराना मत बनाते हुए। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी, मुझे लगता है आपको ये कैंडीज बहुत पसंद आई होगी और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो फिर अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर देना इसका जवाब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।